है गाइस, कैसे आप लोग? सभी साथ में मस्त लगा गाइस। वायरलेस चार्जिंग स्पीकर का गाइस, आपने नॉर्मल स्पीकर देखा होगा गाइस, जिसमें हमारा जो है ज्यादातर लाइट वगैरह रहता है, ठीक है। तो गाइस ये स्पीकर हमारा वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस सिंपल इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और गाइस देख सकते हो उसका लुकिंग वगैरह भी काफी अच्छा होता है, ठीक है। जैसा गाइस अगर आप यूट्यूबर वगैरह हो तो आपको ये तो काफी खास जाता है, देखते हो काफी अच्छा होगा। बैकग्राउंड पीछे रखते हो तो काफी अच्छा इससे आपका लुक आता है, और नॉर्मल आप घर में इसका यूज कर सकते हो। काफी अच्छा स्पीकर भी आता है और साथ में काफी अच्छा लाइटिंग वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। डेकोरेटिव आइटम बोल सकते हो, काफी अच्छा हो जाता है। इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और सभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पी जाए चैनल सब्सक्राइब करो, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस सिंपल इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके, तो मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, और गाइस ये रहा हमारा लाइट, और देख सकते हो साथ में मिल जाता है इसका टर्म्स कंडीशन वगैरह। ओके, टर्म्स कंडीशन कुछ दिया हुआ है समथिंग, और गाइस साथ में मिल जाता है यूएसबी चार्जर, देख सकते हो। सिंपल इसका सी टाइप का चार्जर आता है, जो गाइस बहुत फास्ट जाता है, ठीक है। मतलब काफ़ी जब आपका फास्ट से जो चार्ज हो जाएगा। ओके, मैं बॉक्स वगैरह साइड कर देता हूँ। ओके, और गाइस ये रहा हमारा स्पीकर, देख सकते हो गाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग आता है, ठीक है। देखने में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, फिर आपको यहाँ पे एक दिया जाता है पावर का बटन, फिर आपको उसको प्रेस करके रखना है, देखते हैं हमारा ऑन हो जाता है। ओके, देख सकते हैं अजीब सा साउंड आया है, ठीक है, ऑन होने का, और फिर ये बोला ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। ओके, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो लग रहा है डिज़ाइन देखने में, देखते हैं येलो कलर का लाइट जल रहा है, और आपको सिंपल इसको चेंज करना है। सिंपल उसको क्लिक करना है यही वाला ऑप्शन पे, ठीक है, पावर वाले ऑप्शन पे। सिंपल देख सकते हो चेंज हो रहा है। ओके, देखते हो इस काफ़ी ज़्यादा खास लग रहा है देखने में, देख सकते हो पिंक हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है, ठीक है, ये ग्रीन जाता है, और इसमें 7 कलर दिया हुआ है। अब देख सकते हो ये एक और अलग से मोड दिया हुआ है, जिसमें आपका लाइट कुछ इस तरफ का देख सकते हो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर टाइप का जो फ्लो हो रहा है। और दोबारा अगर इसमें क्लिक करते हो देख सकते हो और भी अलग अलग टाइप का, ठीक है, और भी आप क्लिक कर सकते हो। देख सकते हो इस अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है, देख सकते हो इसमें रेड और पिंक कलर का कुछ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो ब्लू और हल्का ग्रीन टाइप का हो जाता है, ठीक है, अगर रेड ब्लू ऐसा कुछ, और जैसे एक बार आप क्लिक करते देखते हो चेंज हो गया, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो एक कलर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और गाइस ये होता है हमारा लास्ट, और ये हो जाता है गाइस ऑफ, ठीक है। तो अब दोबारा उस पर क्लिक करते हो तो फिर से हमारा येलो जल जाता है, ठीक है। तो इसको मैं जो एक कोई लाइट में सेट करके रख देता हूँ, ठीक है, ये 7 नंबर वाले पे रख देता हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, इसमें मैं सिंपल इसको सेट कर देता हूँ, देखते हो गाइस काफ़ी अच्छा इसका लुकिंग आ रहा है, आप देख सकते हो। और इसका क्वालिटी की बात करें तो इस काफ़ी अच्छा हार्ड क्वालिटी है, ठीक है। अब अगर गिरेगा तो भाई अलग बात हो जाता है, ठीक है, गिरने में तो टूट जाता है सामान, बट ऐसे आप अगर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा जो ठोस काफ़ी मतलब सॉलिड क्वालिटी का हो जाता है, ठीक है। और ऊपर तक देख सकते हो व्हाइट कलर का हमारा पूरा जो पेंट किया हुआ है इसमें, और काफ़ी अच्छा नीचे स्टैंड दिया जाता है चार्ट हो। ओके, काफ़ी अच्छा इसको स्टैंड कर सकते हैं, और साइज़ में भी बात करें तो छोटा नहीं हो जाता है, काफ़ी जब बड़ा हो जाता है साइज़ में, आप देख सकते हो मेरे बॉडी के हिसाब से, ठीक है, काफ़ी जब बड़ा हो जाता है साइज़ में। और सिंपल इसका फंक्शन में बात करें तो देखते हो सिंपल यहाँ पे आपको एक देखने को मिल जाता है स्पीकर, और ये देख सकते हो ऊपर में मिल जाता है एक एम लिखा हुआ। सिंपल आप इसको क्लिक करते हो तो हमारा जो मोड चेंज आता है, जैसा कि हमारा भी ब्लूटूथ मोड में है, ठीक है, क्लिक करते हैं तो ये देखो, ठीक है, अब ये FM मोड में चल चुका है। ओके, और देख सकते हो इसको सिग्नल वगैरह से मिल नहीं रहा है, ठीक है। सिंपल मैं इसको जो FM मोड से हटा के जो ब्लूटूथ मोड में कर देता हूँ, और इस ऊपर तरफ देख सकते हो मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग। गाइस ये स्पीकर का मेन यही हो जाता है कि आपको जो नॉर्मल जो कोई भी स्पीकर हम देखा होगा कि वायरलेस चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं रहता है, ठीक है, बट गाइस ये हमारा जो नया जो स्पीकर डिज़ाइन हुआ है, इसके ऊपर आप सिंपल जो अपना फ़ोन रख के अपना जो मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस चलो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा स्पीकर कैसा जाता है, ठीक है। तो सिंपल मैं जब ब्लूटूथ मोड में ऑन जाता है तो सिंपल इसको फ़ोन ले लेता हूँ, और सिंपल इसको कनेक्ट करके गाइस एक म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल इसको मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। ओके, और देख सकते हो इसका मॉडल नंबर आ जाता है आपका BT2301, ठीक है, ये मॉडल नंबर जाता है। सिंपल इसे कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ओके, पेयर हो गया हमारा। ओके, देख सकते हो पेयर हो गया है, देखो यहाँ पे साउंड भी बज गया, ठीक है। और सिंपल मैं एक म्यूज़िक सर्च कर लेता हूँ, तो ये सिंपल जो है एक NCS मतलब नो कॉपीराइट सॉन्ग का म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ, बिकॉज नॉर्मल अगर म्यूज़िक लगाया तो मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है, वीडियो में। तो सिंपल मैं एक म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ NCS का। देख सकते हो गाइस साउंड हमारा ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो गाइस साउंड ज़्यादा नहीं आता है स्पीकर में, ठीक है, देखा है तो कैसे हमारा डेकोरेटिव आइटम हो जाता है बेसिकली, ठीक है। अगर आप अगर स्पीकर के लिए इसको खरीद रहे हो कि मैं इसको गाने सुनने वाला हूँ, ठीक है, तो आपके लिए पैसा बढ़ा जाता है। आप स्पीकर अगर खरीदना है तो कुछ और खरीद लो, बट ये मत खरीदो, ठीक है। ये आपको परचेस करना है तो आप डेकोरेटिव आइटम के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो साउंड की बात करके साउंड हमारा क्वालिटी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हो जाता है, बट इसका साउंड जो है ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा लाउड नहीं होता है,
नॉर्मल कैसे अगर चला के उसको कुछ काम वगैरह कर रहे हो तो ऐसे काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। मगर आप चाहो अगर पार्टी वगैरह के लिए आप इसको चाहिए लाउड साउंड चाहते हो तो ऐसे आपके लिए नहीं आता है, ठीक है। तो ये डेकोरेटिव आइटम बात करें तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और सब बात करते हैं स्पीकर का हमारा कितना घंटा चार्ज करना है और इसका एम एच वगैरह कितना, ठीक है, इसका बैटरी का एम एच वगैरह कितना आता है। तो ऐसा बैटरी का एम एच का बात करें तो बैटरी का एम एच आता है गाइस 1200 mAh, ठीक है। अगर आप नॉर्मल इसको यूज़ करते हो स्पीकर और लाइट के लिए तो गाइस 1200 mAh काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारा। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसको चार्जिंग के लिए, ठीक है, जैसे कि वायरलेस चार्ज दिया हुआ है तो वायरलेस चार्ज का यूज़ नहीं कर सकते गाइस, 1200 mAh आप समझ सकते हो, ठीक है। आज के नॉर्मल फोन ही जो 4-5 हज़ार का mAh का होता है तो 1200 mAh कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल आप इसको स्पीकर लाइट का यूज़ करना है तो आप 1200 mAh काफ़ी अच्छा रहता है, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका चार्जिंग टाइम कितना आता है, तो सिर्फ आपको 2 से 3 घंटा चार्ज करना है और इसे फुल्ली जो चार्ज हो जाता है। कुल मिलाकर बात करें तो गाइस काफ़ी अच्छा स्पीकर हो जाता है। बट गाइस आपको जो अगर इसको नॉर्मल लाइटिंग वगैरह या डेकोरेटिव आइटम के लिए यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। और स्पीकर का साउंड अगर बात करें तो गाइस आपका जो नॉर्मल जो मोबाइल का साउंड होता है, एक अच्छे महंगा मोबाइल का, नॉर्मल मोबाइल का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छा महंगा मोबाइल का जो साउंड होता है जो फुल जब आप करते हो तो उतना इसका साउंड हो जाता है कह सकते हैं, ठीक है। तो इस काफ़ी हो जाता है अच्छा हमारा क्यूट सपोर्ट, आपको परचेस करने डिस्क्रिप्शन लिंक है परचेस कर सकते हो। ऐसा बात करते हैं इसका प्राइस कितना आता है, ठीक है, मैंने इसको कितना परचेस किया है। तो सिंपल कैसे अलग अलग इसका प्राइस आता है, जैसे इसका 1000 भी है, 1100 भी है, 1200 भी है, ठीक है। तो कैसे मैंने जो परचेस किया 1000 में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, सिंपल वही क्लिक करते हो तो वही वाला आपको जो परचेस कर सकते हो, सेम यही वाला प्रोडक्ट 1000 वाला, ओके। तो इस कुल मिलाकर बात करें तो काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव हमारा आइटम हो जाता है, ओके। तो इस आज की वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे वीडियो चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो पर वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों शेयर कर लो।